हरे कृष्णा, जय गौर हरि। तो आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके सामने कार्तिक मास की महिमा का वर्णन करने जा रहे हैं। जैसे उत्सवों के दिन होते हैं, फेस्टिवल डेज होते हैं, उसी तरह ये फेस्टिवल डे नहीं, ये फेस्टिवल मंथ है, ये महोत्सवों का महीना है। इसमें हर दिन ही महोत्सव है और अलग अलग शास्त्र अलग अलग प्रकार से कार्तिक मास की महिमा का वर्णन करते हैं। जैसे कि पद्म पुराण कहती है, तुलसी महारानी जो है पौधों में श्रेष्ठ है, तुलसी महारानी, और दिवसों में श्रेष्ठ है एकादशी। इसी तरह से जो महीनों है जितने महीने हैं उन महीनों में श्रेष्ठ है कार्तिक मास, दामोदर मास, और तीर्थों में श्रेष्ठ है वृंदावन। इसी तरह स्कंद पुराण भी शास्त्रों में आया है कि शास्त्रों में श्रेष्ठ है वेद, नदियों में श्रेष्ठ है कौन, गंगा जी। और इसी तरह से मासों में जो श्रेष्ठ है, जितने भी ये सारे मास है उनमें श्रेष्ठ कौन है, कौन सा मास है, कार्तिक मास है। तो ये बहुत अनेकों प्रकार से शास्त्रों में इस तरह महिमा गुणगान किया गया है। तो ये जो दिन होते हैं, जो फेस्टिवल डेज होते हैं, और जो ये फेस्टिवल मंथ होते हैं, इसमें क्या होता है? जैसे कि डिस्काउंट में सेल चलती है ना, डिस्काउंटेड सेल, उसमें क्या होता है, बहुत ही मतलब सस्ते दामों के अंदर महंगे महंगे सामान आपको बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाते हैं। फेस्टिवल डेज आते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें भगवान श्री राधा कृष्ण, श्री गौर निताई और समस्त वैष्णव भक्त भक्तवृंद जितने भी हैं सब बहुत प्रसन्न होते हैं, उल्लास से झूम रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप कृपा की याचना करते हैं, भक्ति की याचना करते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरी भक्ति बढ़े और उसके अनुसार कुछ नियमों का पालन करते हैं, तो आपको क्या होता है, आपको बहुत अनंत लाभ प्राप्त होता है भक्ति का। तो कौन से नियम है, और ऐसे भी कोई नियम नहीं है कि आपको पत्थर तोड़ने पड़े, बहुत ही आसान। भगवान ने हमें पता है, भगवान हमें जानते हैं कि ये पत्थर तोड़ने वाले काम तो नहीं कर सकते, तो इसलिए इनको आसान से सेवा दी जाए जिससे कि ये आसानी से कर सकें। तो हमें पर करना क्या पड़ेगा इसमें क्या, हमें अलग अलग तरीके से संकल्प लेना पड़ेगा। आपको स्वयं को संकल्प लेना पड़ेगा कि कार्तिक मास में जब भी ऐसे, जैसे न्यू ईयर पे क्या होता है, लोग बाग न्यू ईयर आता है रेजोल्यूशन लेते हैं कि अब मैं समय पूरे 12 महीने आज से मैं ऐसा काम करूंगा। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है, एक रेजोल्यूशन लेना है, एक संकल्प लेना है कि मैं एटलीस्ट, अगर वैसे तो डेली ही हमें हमेशा ही ये कार्य करने चाहिए, परंतु अगर मैं नहीं कर पाता हूँ तो एटलीस्ट कार्तिक मास में तो मुझे पूरी तरह से सीरियसली भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको एक बहुत जबरदस्त पुश मिलेगा आगे आने वाले समय में भी पूरी तरह से भक्ति करने का। तो ये इसके पीछे छुपा हुआ राज है कि क्यों पूरी तरह से कार्तिक मास को हमें पूरी तरह से पालन करना चाहिए। अब इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 11 कार्य है, वो 11 कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें इसमें करने चाहिए। वो क्या है 11 कार्य, और संकल्प के साथ करना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बिना संकल्प के कुछ नहीं होता, संकल्प तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी तो आपका माइंड भी संकल्प जब हम करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो मन है ना वो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। अगर बिना संकल्प के हम कोई कार्य करते हैं ना तो चलता है कि चलो ठीक है कर रहे हैं, पर नहीं, अगर आपने संकल्प ले लिया तो हम उसको निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो वही हम करने जा रहे हैं, एक एक करके हम संकल्प लेंगे। जैसे कि सबसे पहला कार्तिक अहम करिष्यामि दीपदानम जनार्दना, कि कार्तिक, कि हे जनार्दन भगवान, हे कृष्ण भगवान, मैं इस कार्तिक के महीने में प्रातकालीन में और संध्या के समय सुबह शाम में क्या करूंगा, मैं दीप दान करूंगा आपको, प्रतिदिन एक दीप का दान करूंगा, 2 दीप के सुबह भी और शाम को भी, है ना। तो क्या होता है दीपदान करने से, शास्त्रों में बहुत महिमा बता रखी है। जैसे कि एक बात मैं आपसे शेयर करता हूं, जैसे जितने पाप, मतलब जो बहुत बड़े बड़े, मतलब कोई पापी हो जिन्होंने, शास्त्र बताते हैं जैसे जो बड़े बड़े पर्वत होते हैं, मेरू पर्वत है, मंदराचल पर्वत है, बहुत विशाल पर्वत है, अगर आपने इन पर्वतों के समान भी पाप इकट्ठे कर रखे हैं अपने पिछले जन्मों के, हमने इकट्ठे कर रखे हैं अगर, तो अगर हम कार्तिक मास में दीपदान करते हैं, दिल से दीपदान करते हैं, हृदय से भगवान को प्रेम से दीपदान करते हैं, तो क्या होता है, ये सारे के सारे पापों के पहाड़ चकनाचूर हो जाते हैं। जी हाँ, इसी तरह से आगे नेक्स्ट हम चलते हैं, हम आपको बताएंगे एंड में कि किस प्रकार आप दीपदान कर सकते हैं। ये पूरा श्रृंखला हमारी पूरी हो जाए, इसके बाद हम एंड में आपको बताएंगे किस प्रकार आप दीपदान कर सकते हैं ना, कैसे कैसे आपको दीपदान करना है।
फिर दूसरा, कार्तिक अहम करिष्यामि महामंत्र जपम सर्वम। क्या कि कार्तिक मास में मैं क्या करूंगा, महामंत्र का जाप करूंगा, महामंत्र का जाप करूंगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रतिदिन प्रतिदिन आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए इस कार्तिक मास में। फिर कार्तिक मास क्या होगा, कार्तिक अहम करिष्यामि, कार्तिक अहम करिष्यामि प्रातः काल स्नानम जनार्दना। क्या करूंगा, कार्तिक मास में मैं रोज प्रतिदिन प्रातः काल उठूंगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा और क्या करूंगा, स्नान करूंगा और मंगला आरती करूंगा, नरसिंह प्रार्थना करूंगा, तुलसी पूजा करूंगा। पूरा मतलब ये पूरा एक जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, आप गिव गीता हमारा यूट्यूब चैनल है, YouTube.com/GiveGeetaLive, उसके ऊपर डेली हमारा 4:30 बजे से मंगला आरती का पूरा कार्यक्रम आता है। मंगला आरती होती है, नरसिंह प्रार्थना, तुलसी पूजा, उसके बाद सब हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं और उसके बाद आगे हम आपको बताएंगे, कथा भी होती है, श्रीमद् भागवतम की कथा होती है, लेक्चर होता है और प्रश्नोत्तर भी होते हैं। बहुत ही सिस्टमैटिक वैसे ये पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम चलता है। गुरु पूजा होती है, श्री प्रभुपाद जी की पूजा होती है, दर्शन आरती होती है भगवान की। तो अनेकों इसके अंदर जो प्रोग्राम्स हैं वो चलते रहते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं, जिससे कि आपकी भक्ति में आपका अपलिफ्टमेंट हो, ठीक है, आप मतलब मानसिक रूप से भी बहुत ही संतुलन बनाए रखें। ये सब सारा जो मेन जो चीज़ है ये माइंड को कंट्रोल करने के लिए बनाए, क्योंकि हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, उससे क्या होता है हमारा डिसीजन मेकिंग खत्म हो जाती है, सारा जीवन गड़बड़ हो जाता है हमारा, सही गलत की पहचान नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जब आप ये पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छी तरह अटेंड करेंगे तो आपको क्या होगा, आपको डिसीजन मेकिंग पावर आएगी, माइंड कंट्रोल होगा उससे डिसीजन मेकिंग आएगी, डिसीजन मेकिंग से सही और गलत की क्या पहचान कर पाएंगे और आपको जो फ्रूट्स मिलेंगे वे सही करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा आपको, है ना। तो ये बात अब ध्यान से सुनिएगा। इसी तरह से कार्तिक अहम करिष्यामि कीर्तनम जनार्दना। किस कार्तिक मास में मैं क्या करूंगा, कीर्तन करूंगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे हरे। किस कार्तिक मास में मैं कीर्तन करूंगा, सुबह शाम भगवान का कीर्तन करूंगा। आप कीर्तन करेंगे उससे आपकी शुद्धि होगी, शुद्धि होगी, भगवान हृदय में प्रकट होंगे। तो ये बहुत जरूरी है भगवान का कीर्तन करना, और ये संकीर्तन युग है, ये कलयुग में तो संकीर्तन का युग है, इस संघ में मिलकर क्या करना, कीर्तन करना। संघ बहुत ज्यादा जरूरी है, संघ में मिलकर कीर्तन करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये संघ ऐसे ही है जैसे कि मान लो एक व्यक्ति है, अगर एक व्यक्ति क्या करे कि उसको बोल दिया जाए कि गड्ढे खोदो, एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदो, उसमें से क्या करो पानी निकालो, है जमीन के अंदर से पानी निकालना है, क्या करना है, गड्ढा खोदना है, बहुत बड़ा गड्ढा खोदना है, पानी निकालना है, डीप भी जाएगा जो गड्ढा होगा, क्योंकि पानी कैसे निकलेगा फिर। तो अगर एक व्यक्ति को कह दिया गया, 10 व्यक्ति को कह दिया गया कि भाई ये तुम खोदो, और 10 व्यक्ति ने क्या किया, एक साथ गड्ढा खोदने की जगह अलग 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 जगह गड्ढे खोदने शुरू कर दिए, कितनी देर में पानी आएगा बताइए आप। और अगर वो 10 के 10 एक ही जगह गड्ढा खोदें तो कितनी जल्दी पानी आ जाएगा, आएगा ना, क्यों, क्योंकि संघ, तो ये संघ ही शक्ति है। तो आप आपकी फैमिली के साथ सबको साथ में मिलाइए और सबको साथ में मिला के कीर्तन करिए, फिर देखिए आप आपके जीवन में भगवान श्री कृष्ण के भक्ति की, भगवान श्री कृष्ण की कृपा की बरसात होगी, जी वो पानी बरसेगा आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा। तो इसी तरह से जितने भी संकल्प हैं आप एक एक के बाद एक इसी तरह से संकल्प ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि मैं क्या क्या करना चाहता हूँ। इसी तरह से क्या है, शास्त्र अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन करिए, बहुत ज्यादा आवश्यक है। शास्त्रों का अध्ययन करने से क्या होता है, फिलोसफी क्लियर होती है, दर्शन समझ में आता है हमें, और जब वो दर्शन समझ में आता है तब हम भगवान के दर्शन करने के लायक बनते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है शास्त्रों को समझना, उससे हमारी श्रद्धा परिपक्व होती है, जब हम देखते हैं कि हाँ भाई भगवान ये कह रहे हैं हमसे, और प्रभुपाद जी को पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी ने इतनी सारी किताबें, इतने सारे ग्रंथ हमारे लिए लिखे हैं, तो हम उनको उनका अध्ययन करें, भगवद गीता पढ़ें, और भगवद गीता पढ़ने के साथ साथ ही 13 घंटे का जो हमारा कोर्स है गुरु जी वृंदावन चंद्र दास जी का, डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी बहुत ही अच्छी तरह से 13 घंटे कोर्स में उन्होंने समझाया है कि किस प्रकार हम 24 घंटे भक्ति कर सकते हैं, किस प्रकार, तो वो भी आप सुनिए, पूरा कोर्स सुनिए आप, बहुत अच्छी तरह उसमें समझाया हुआ है। तो जैसे गुरुजन बताते हैं, शास्त्र बताते हैं कि हमें 16 माला का जाप करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला का आप जाप करिए। अगर आप 16 माला का जाप नहीं कर पा रहे हैं स्टार्टिंग में ही, तो एटलीस्ट आप पहली बारी अगर माला कर रहे हैं तो 2 माला शुरू करिए, 4 माला शुरू करिए, इस तरह से आप धीरे धीरे बढ़ाइए और कार्तिक के एंड तक 16 माला पे आ जाइए, देखो कितनी जल्दी आपकी प्रगति होगी, ठीक है प्रभु जी। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसके बाद क्या है कि जो भी आप पाएं भगवान को भोग लगा के ही ग्रहण करें, इसके अलावा और कुछ ग्रहण मत करें,
भगवान को अपने घर में अगर आपके प्याज लहसुन वगैरह बनता है बंद कर दो, बिल्कुल स्टॉप कर दो उसको। नॉनवेज बनता है बिल्कुल बंद कर दो, एटलीस्ट ये कार्तिक मास के लिए बंद कर दो, और फिर जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आगे भी बंद हो जाएगा, तो उसकी चिंता मत करो आप। पर अभी इस मंथ के लिए आप सोचो कि इस महीना मुझे बिल्कुल नहीं खाना, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है लहसुन प्याज और मसूर की दाल और ये रजो तमोगुण प्रधान जो खाना होता है इसको बिल्कुल बंद करो और सात्विक आहार बनाओ और भगवान श्री राधा कृष्ण को गौर निताई को भोग लगाओ। प्रभुपाद जी से प्रार्थना करो कि प्रभुपाद जी हम तो इतने शुद्ध हैं नहीं, आप कृपा करके भोग लगाइए। तो ये आप प्रार्थना करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। और अगला है कठोरता से चारों नियमों का पालन करना। चार नियम क्या होते हैं? पहला नियम, किसी प्रकार का कोई नशा नहीं, इसमें चाय कॉफ़ी तंबाकू बीड़ी सिगरेट अल्कोहल ड्रग्स और जो भी नशीला पदार्थ है जिससे आपको नशा होता है वो आप नहीं ग्रहण करें। जैसे कि कोका कोला ड्रिंक होती है उसके अंदर भी कैफीन होता है, चॉकलेट होती है वो कोकोआ से बनती है कोकोआ में भी कैफीन होता है, कॉफ़ी होती है उसमें भी कैफीन होता है। तो इस तरह से जितने भी ये नशीली पदार्थ हैं ये बिल्कुल इसका सेवन ना करें। दूसरा, किसी प्रकार का कोई अवैध संबंध नहीं, शादी के बाहर कोई संबंध नहीं, और पूरी तरह कोशिश करिए कि शादी में भी ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें। तीसरा, किसी प्रकार का कोई जुआ नहीं, जुआ नहीं का मतलब क्या है? किसी कोई गैम्बलिंग नहीं, कोई जुआ आपकी सट्टाबाजी करते हैं लोग, क्रिकेट में सट्टा लगाते हैं, यहाँ सट्टा लगाते हैं, वहाँ सट्टा लगाते हैं, आजकल तो हर जगह ही लोग बाग सट्टा लगाने लग गए हैं, तो कृपा करके ये कार्य मत करें, ठीक है? स्पेशली दिवाली के लोग बहुत सट्टा लगाते हैं दिवाली के दिन लोग, तो इसलिए वो भी आप ना करें। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है इनसे बच के रहें। चौथा क्या है? किसी प्रकार का कोई मांसाहार नहीं। मांसाहार का मतलब केवल मांसाहार का मतलब ये नहीं है केवल मांस नहीं खाना, इसका मतलब क्या है? मीट मांस अंडा प्याज लहसुन मसूर की दाल रजो तमो गुण की जो आहार होता है अत्यंत तीखा अत्यंत खट्टा 3 घंटे से पुराना बनाया हुआ भोजन ये सब ग्रहण ना करें, क्योंकि ये सब अगर आप ग्रहण करेंगे तो कार्तिक मास में आप भक्ति अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये सब करेंगे तो भक्ति कहाँ से कर पाएंगे? ये तो हाथी स्नान वाला काम हो जाएगा। जैसे हाती क्या करता है, पहले तो बढ़िया बढ़िया स्नान करके आ जाता है और फिर जब धरती पे आता है तो अपने ऊपर मिट्टी डाल लेता है। तो आप ऐसा कार्य मत करें। हाथी नहीं बनना है हमने, है ना? कार्तिक मास में भगवान का भक्त बनना है, अच्छा भक्त बनना है, ठीक है जी? तो आपसे प्रार्थना है इस तरह से कठोरता से नियमों का पालन करिए, ब्रह्मचार्य का बहुत कठोरता से पालन करिए। और फिर इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो कार्तिक मास में आप संकल्प ले सकते हैं वो है धामवास का संकल्प ले सकते हैं। यहाँ गोवर्धन धाम में आप आइए, यहाँ पे अलग अलग हमारे डेली सुबह सुबह से लेकर शाम तक क्या होता है प्रोग्राम चलते रहते हैं, जैसे कि मॉर्निंग प्रोग्राम मैंने आपको बताया, और फिर क्या है कार्तिक मास में हमने पूरे एक सारे भक्तों ने मिलकर गुरुजी के आदेश अनुसार हमने एक आंदोलन सा चलाया है कि इस एक महीने हम सारा दिन प्रचार करेंगे, पूरा दिन होल डे सुबह से शाम तक। वैसे तो शनिवार से रविवार जो होता है हमारा प्रचार होता है और उसके बाद हम कॉलिंग में ज़्यादा अधिकतर लोगों को प्रेरित करते हैं फॉलोअप करने में, परंतु हमने फॉलोअप की एक अलग टीम बनाई है जिससे कि जो सारे भक्त जो फुल टाइम भक्त हैं वो क्या कर सकें, वो प्रचार कर सकें। तो आप सब भी अगर आना चाहें और इस प्रचार सेवा में जुड़ना चाहें तो आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी यहाँ आ सकते हैं, यहाँ धामवास कर सकते हैं और प्रचार के लिए जा सकते हैं, और सुबह मॉर्निंग में डेली आप मंगल आरती वगैरह सब कुछ यहाँ पर प्रेजेंट होके कर सकते हैं। आसपास काफ़ी यहाँ पर रहने की सुविधाएं हैं, आप हमें बता दीजिएगा 9210531053 ये नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस पर संपर्क करके आप बता दीजिएगा तो वो डिवोटी आपको बता देंगे, जो भी रहने की सुविधा होगी जो भी उसकी लक्ष्मी होगी वो आपसे डिस्कस कर लेंगे। अगला क्या है? श्रीमद् भागवतम कथा श्रवण करना, श्रीमद् भगवद गीता की कथा श्रवण करना, लेक्चर सुनना। डॉक्टर श्री वृंदावन चंद्र दास जी बहुत ज़बरदस्त लेक्चर्स देते हैं और हमारे पास हमारे जो givegita.com/shop पे आप जाएंगे तो गुरुजी के बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, उनको आप जाइए शॉप से परचेज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, सुनिए उनको। और श्री प्रभुपाद जी के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, उनको आप डाउनलोड करिए, उनको सुनिए। इससे क्या होता है कि मतलब आपकी श्रद्धा परपक होती है, श्रवण से सारा कार्य होता है। जब आप सुनते हो, सुनते ही क्या होता है, मन शुद्ध होता है, आपकी जितने भी संशय हैं जो डाउट्स हैं उनका नाश हो जाता है। भगवान भी गीता में अर्जुन को कहते हैं हे अर्जुन ज्ञान की तलवार से अपने संशय को काट डालो। तो आप सब भी ये आध्यात्मिक ज्ञान की जो कथा है इसको सुनो और अपने जितने भी संशय आपके मन में अज्ञानता से उठे हैं उनको काट डालो। फिर आगे क्या है? इसके आगे है प्रचार कार्य। सबको प्रचार करना चाहिए, सबको प्रचार कार्य में सहायता करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है कि यार देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, सबको ये कृष्ण उपदेश बताना है, परंतु पहले आपको सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। परंतु आप इतना तो कर सकते हैं कि जो 13 घंटे का कोर्स है कार्तिक मास के अंदर एक प्रण लीजिए आप कि संकल्प लीजिए कि कार्तिक मास के अंदर मैं क्या करूंगा, ये 13 घंटे वाले कोर्स को अधिक से अधिक डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, सब लोगों को बताऊंगा, जितने अधिक से अधिक हो सकता है पूरी मेहनत करूंगा और ये 13 घंटे उन तक पहुंचाऊंगा और उनको प्रेरित करूंगा कि ये 13 घंटे वो सुने। अगर आपने ऐसा कर दिया ना तो आपके बारे न्यारे हो जाएंगे, भगवान आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे।
क्योंकि देखो भगवान, आप जो भगवान के जो भटक गए हैं बच्चे, उनको आप वापस लेके आने का प्रयास कर रहे हो, उसमें आप संकल्प दृढ़ हो, आपने दृढ़ निश्चय किया है कि भाई हाँ मैं ये कार्य करूंगा, तो भगवान आपसे जरूर प्रसन्न होंगे, 100% प्रसन्न होंगे। अगला क्या है, तिल खोल के दान करना, मतलब बिल्कुल शर्म नहीं करनी चाहिए कार्तिक मास में कि दान करने के लिए। बिल्कुल, कई हमारे ऐसे भक्त हैं उन्होंने संकल्प लिया है कि कार्तिक मास के हर दिन 1100 रुपये दान करेंगे, किसी ने लिया है 3100 रुपये दान करेंगे, कोई किसी ने लिया है डेली 5100 रुपये दान करेंगे। अलग 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 भक्त हैं, मतलब बहुत अनेकों अनेकों भक्त हैं, हर जगह से फोन आ रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि प्रभु जी हमारी सेवा लगाओ इसमें, हम भी कह रहे हैं कि आपकी सेवा भगवत भागवत सेवा में लगाएंगे, कि कार्तिक मास के महीने में आपकी सेवा भगवत भागवत सेवा में लगेगी, जिसके अंतर्गत हमारे जो यहाँ आश्रम भी बन रहा है, गीतालय बन रहा है, वहाँ पे मंदिर बन रहा है, पूर्ण मंदिर, एक संपूर्ण मंदिर बन रहा है, बनने जा रहा है वहाँ पर, वहाँ पे संपूर्ण मंदिर में सब कुछ होगा, वहाँ पे गुरुकुल भी होगा, वहाँ पे गौशाला भी होगी, वहाँ पर सेमिनार हॉल्स भी होंगे, ऑडिटोरियम होगा, मतलब हर चीज़ वहाँ पे, आध्यात्मिक ज्ञान को, मंदिर भी होगा बहुत बड़ा, आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है, सनातन धर्म को बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो आपकी जो दान राशि है, सेवा राशि है, वो पॉजिटिवली इस सेवा में लगेगी, तो जिससे कि आपको अनेकों गुना उसका फल प्राप्त होगा। तो ये अवश्य आप करें, बहुत बहुत हम आपसे दिल से प्रार्थना करते हैं, इस कार्तिक मास को बहुत अच्छी तरह मनाएं, और आपको इस कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब आप सब जन सब परिवार समेत कोशिश करें इस कार्तिक मास का पालन करने की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आप, मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार आप ये दीपदान कर सकते हैं। अगले जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी उसमें आपको वीडियो के साथ बताया जाएगा किस प्रकार आप दीपदान कर सकते हैं एक एक करके। और अगर आपको भगवान श्री राधा कृष्ण की, गौड़ निताई जी की, और दामोदर भगवान की, यशोदा दामोदर जी की फोटोग्राफ चाहिए, तो जो उनके चित्र चाहिए, तो वो भी आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एक लिंक, उससे आप प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, उनको प्रिंट करके आप अपने मंदिर में रख सकते हैं और उनको रोज़ दर्शन कर सकते हैं, उनको दीपदान कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, जय गौर। तो अब हम आपको बताते हैं कि दीपदान किस प्रकार किया जाता है। सर्वप्रथम आप अपने मंदिर में यशोदा दामोदर जी का चित्र रखिए, मिट्टी के दीपक लीजिए, परिवार में जितने भक्त हैं उतने दीपक रखें, दीपक में घी की बत्ती रखें, फिर एक दीपक को जलाएं और बाकी सभी दीपक उस एक दीपक से जलाएं। उसके बाद आप सभी को आचमन कराएं और एक एक करके दीपक देते जाएं। सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी को दीपक दिखाएं और उनसे भगवान की आरती करने की प्रार्थना करें कि हे श्रील प्रभुपाद, मैं इतना शुद्ध नहीं हूँ कि मैं भगवान की आरती कर सकूं, आप ही कृपा करें कि मैं आरती कर पाऊं। उसके पश्चात सबसे पहले यशोदा दामोदर जी के चित्र की ओर देखें और आरती करना प्रारंभ करें। भगवान श्री दामोदर जी के चरणों में 4 बार पहले दीपक घुमाएं, उसके बाद 2 बार नाभि पे दीपक घुमाएं, उसके बाद 3 बार मुखार वृंद पे दीपक घुमाएं, और उसके बाद 7 बार पूरे शरीर पे दीपक घुमाएं। इसी प्रकार यशोदा मैया जी की भी आप आरती करें, जो और उसके बाद इस चित्र में जो आप देख रहे हैं कि ओखल भी है जिससे यशोदा मैया कृष्ण भगवान को बांध रही थी, रस्सी भी है और छड़ी जिसको लेकर यशोदा मैया कृष्ण भगवान के पीछे भागी थी, और वृंदावन धाम की झलक भी आप देख पा रहे होंगे, उन सबको आप एक बार दीपक दिखाइए। और फिर आप चलिए आपके मंदिर में जो भी श्री विष्णु तत्व के श्री विग्रह हैं, चित्र हैं, उनकी भी आरती आप इसी प्रकार करें, 4 बार चरणों में, 2 बार नाभि पे, 3 बार मुखारविंद पे और 7 बार पूरे श्री विग्रह पे, और अंत में श्री षड गोस्वामी जी को दीपक दिखाइए, श्री प्रभुपाद जी को दिखाइए, श्री गुरु परंपरा को दिखाइए, और जहां पर भी भगवान श्री कृष्ण की, राधा कृष्ण भगवान की आरती होती है, वहां पर समस्त देवी देवता और समस्त शुद्ध भक्त, वैष्णव भक्त भी उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार दीपक को घुमाइए कि चारों ओर आप जो समस्त देवी देवता हैं और जो समस्त भक्त हैं उनको भी, उनकी तरफ भी आप दीपक को घुमा दीजिए। फिर एक जगह सब दीपक रख दीजिए और आरती ले लीजिए। तो ध्यान रखिएगा, जब आप ये दीप दान करेंगे तो साथ में दामोदर अष्टकम अवश्य पढ़िएगा, क्योंकि दामोदर अष्टकम जो है ये सत्यव्रत मुनि जी ने लिखी है, और भगवान अति प्रसन्न होते हैं जब कोई दामोदर अष्टकम को पढ़ते हुए दीपों का दान करता है भगवान को। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय गौर।